फ्रेंड्स, आज के स्टोरी में हम पेटीएम पोस्टपेड लोन के बारे में बात करने हैं। पेटीएम की ओर से एक बैड न्यूज आ रही है और वो बैड न्यूज आ रही है पेटीएम पोस्टपेड लोन को लेकर। पेटीएम की ओर से जो पेटीएम पोस्टपेड लोन का जो लिमिट है तो यहाँ पर जो जीरो कर दे, और जो पेटीएम पोस्टपेड लोन का जो अकाउंट है उसी भी यहाँ पर जो पेटीएम ने होल्ड कर दे। तो आपका भी अगर से पेटीएम पोस्टपेड का लोन का अगर से अकाउंट को होल्ड कर देगा या फिर पेटीएम पोस्टपेड लोन का लिमिट अगर से जीरो अगर से कर दे, तो आपसे मेरी एक ही कोशिश रहेगी आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस रीजन की वजह से जो पेटीएम पोस्टपेड का लोन का जो लिमिट है उसे जीरो किया गया, या फिर किस वजह से जो पेटीएम ने आपका पेटीएम पोस्टपेड लोन का जो अकाउंट है उसे यहाँ पर जो होल्ड कर दे। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो देने लगे, तो आपको भी अगर से जानना है कि पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट जो क्यों जीरो हुआ है और किस तरीके से आप जो इसे एक्टिव कर सकते हो, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मुझे तो आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद नहीं करता और वीडियो को सीधा आगे बढ़ता हूँ। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी कोई इस तरीके का वीडियो में बनाऊँ तो वीडियो सबसे पहले आपके पास तो किसी और के पास नहीं जाए। और साइड में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेटीएम ने जो अपना जो पेटीएम पोस्टपेड के जो लिमिट है वो जो अभी सभी के जो अकाउंट्स पे जो जीरो यहाँ पर जो कर दे, या फिर किसी के अकाउंट पे अगर से लिमिट अगर से शो हो रहा है तो वो लिमिट को जो वो यूज नहीं कर सकता। पेटीएम पोस्टपेड का जो लोन है उसे जो कहीं पर भी जो अभी यूज नहीं कर सकता। और सभी का जो पेटीएम का जो पोस्टपेड लोन का जो अकाउंट है तो पेटीएम ने जो होल्ड कर दिया गया है। किसी किसी को यहाँ पर जो लिमिट यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन वो जो उस लिमिट को यूज करना चाह रहा है, लेकिन वो लिमिट जो है तो यहाँ पर वो यूज नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन क्या है मैं अभी आपको जो यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है ये जो है तो आरबीआई के अंडर आता है। यहाँ पर जो आरबीआई का जो रूल रेगुलेशन जो होता है, पॉलिसी होता है, तो वो जो पेटीएम को यहाँ पर जो फॉलो करना है उसे जो यहाँ पर उन नियमों को जो पालन करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई का ये कहना है कि हमारा जो नियम है, हमारे जो पॉलिसी से वो जो यहाँ पर पेटीएम फॉलो नहीं कर रहा है। जिस तरीके से पेटीएम का पोस्टपेड लोन देने का जो तरीका है वो जो यहाँ पर गलत है, इलीगल है। इस तरीके से आप जो पेटीएम पोस्टपेड का लोन नहीं दे सकते। हमारा भी जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है इस तरीके से जो आरबीआई का बोलना है। तो यहाँ पर जो पेटीएम इस वजह से जो आपका जो पेटीएम पोस्टपेड का जो लिमिट है यहाँ पर जीरो किया गया, या फिर इसी वजह से जो आपका पेटीएम पोस्टपेड का जो अकाउंट है उसे जो यहाँ पर पेटीएम ने जो होल्ड कर दिया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर पेटीएम को भी जो यहाँ पर समझना चाहिए कि जो आरबीआई का रूल रेगुलेशन से जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो पॉलिसी उसे जो पेटीएम को यहाँ पर जो फॉलो करना चाहिए, उनका जो नियमों का यहाँ पर जो पेटीएम ने यहाँ पर जो पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर पेटीएम ने जो इन नियमों का पालन नहीं किया है, इस वजह से जो आरबीआई की ओर से जो इस पेटीएम पोस्टपेड लोन को जो यहाँ पर प्रॉब्लम आया है। इसी वजह से जो पेटीएम का अभी जो लिमिट है जीरो किया गया, और जो पेटीएम का अकाउंट है पोस्टपेड लोन का वो भी जो यहाँ पर इसी वजह से जो यहाँ पर होल्ड किया गया। यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो मैं अभी आपको बताऊँ किस तरीके से अगर से आप अगर से पेटीएम पोस्टपेड लोन का अगर से लिमिट अगर से यहाँ पर एक्टिव करना चाहते हो, या फिर आपका पेटीएम पोस्टपेड लोन का अगर से अकाउंट को अगर से आप एक्टिव करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो वेट करना पड़ेगा। तब तक कि आरबीआई का और पेटीएम का समझौता नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर जो वेट करना पड़ेगा। तभी जाकर इसमें कुछ सोल्यूशन जब निकलता है तभी जाकर हमारा जो पेटीएम पोस्टपेड का जो लिमिट है उसे यहाँ पर जो शो होगा, और उस लिमिट को भी आप जो यूज कर पाओगे, और जो आपका पेटीएम पोस्टपेड का जो अकाउंट है लोन का तो उसे भी यहाँ पर जो पेटीएम क्या करेगा एक्टिव कर देगा। तो इस रीजन की वजह से जो आरबीआई ने जो पेटीएम पोस्टपेड लोन को जो अकाउंट है उसे जो होल्ड किया गया है, पेटीएम के ऊपर बताया गया है कि आप इस तरीके से जो पेटीएम पोस्टपेड लोन नहीं दे सकते। हमारे जो रूल रेगुलेशन से हमारी पॉलिसी को यहाँ पर आप फॉलो करो, और आप जो पेटीएम पोस्टपेड लोन जो आप आपके पेटीएम कस्टमर्स को जो यूज कर सकते हो। तो इसी वजह से जो आपका पेटीएम का जो पोस्टपेड का लिमिट है जीरो हुआ है, और इसी वजह से जो आपका पेटीएम का जो पोस्टपेड का लोन का जो अकाउंट है उसे जो अभी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए होल्ड किया गया। अभी जो इन दोनों में जो बातचीत होगी उस पर जो राय निकलेगी, जो सोल्यूशन निकलेगा, दोबारा से जो आपका पेटीएम पोस्टपेड का जो लोन का जो लिमिट है वो जो यहाँ पर शो होने लगेगा, और उस लोन को जो उस लिमिट को आप जो यूज कर पाओगे। तो यही एक छोटा सा अपडेट था जो कि मुझे आपको यहाँ पर जो बताना था। इस वजह से जो आप इस अपडेट से जो थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसमें कुछ सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर से आपके पेटीएम पोस्टपेड लोन का अगर से लिमिट को यूज अगर से कर पा रहे हो, या फिर आपका पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट अगर से अभी भी एक्टिव है, तो आप मुझे कमेंट में प्लेस करके जरूर बताओ कि आपका पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट अभी शो हो रहा है, और उस लिमिट को आप जो यहाँ पर यूज भी कर पा रहे हो, और आपका जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है वो जो अभी होल्ड भी नहीं हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल।